सभी को नमस्कार। मैं कुपेंद्र आर राठौर, हिंदी विषय सहायक प्राध्यापक, सरकारी प्रथम श्रेणी महाविद्यालय हुलसूर, जिला बिदर से हूँ। गुलबर्गा विश्वविद्यालय कलबुर्गी CBCS पाठ्यक्रम में BSc 4th sem बेसिक हिंदी में हानुष नामक नाटक रखा गया है। आज हम इसी हानुष नामक नाटक के 14वें भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। इस भाग में आप सभी का स्वागत है। गुलबर्गा विश्वविद्यालय कलबुर्गी की तरफ से जो हानुष नामक यह नाटक रखा गया है, यह एक महत्वपूर्ण नाटक है। भीष्म साहनी इस नाटक के नाटककार हैं। अभी तक हमने 13वें भाग तक हमने यह देखा कि हानुष एक गरीब स्वाभिमानी यानी एक कलाकार जो 17 साल के मेहनत के बाद जो उन्होंने घड़ी बनाने तक का जो उनका सफर रहा है, उन्होंने बहुत गरीबी में अपना परिवार के साथ जिस संघर्ष के साथ उन्होंने सामना किया, उसके साथ साथ जिस तरह से नगरपालिका के अनुदान के कारण वह घड़ी बनाने में आखिर कामयाब हुआ, उसके बाद जो घड़ी का जो उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ, राजा ने उस उद्घाटन के कार्यक्रम में आकर हानुष को उन्होंने जिस तरह से सवाल पूछे, सवाल में यानी राजा ने हानुष को फंसाया और साथ रात राजा चर्च से ज्यादा प्रभावित होने के कारण वह चर्च की ही मानता था, इस कारण वह राजा ने हानुष को आंखें निकालने की उन्होंने जिस तरह से सजा सुनाया। हानुष को यह सजा उन्होंने इसलिए सुनाया था कि हानुष राजा मानता था कि आपने घड़ी यानी बिना मेरे मंजूरी से बनाया है, साथ साथ बिना मेरी अनुमति के कारण नगर पालिका पर आपने लगाया है, इसी कारण आप धोखेबाज हो और आप को सजा देना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने अधिकारी को निर्देशन दिया कि इनकी आंखें निकाली दिया जाए। मैंने आपको यहाँ पर जिक्र किया था पिछले भाग में, बेबीलोनिया के राजा हम्मुरबी जिस तरह से उस युग में वह अपने कानून सुव्यवस्था, उनके कठिन कानून के लिए वो जिस तरह से राजा प्रसिद्ध था, यहाँ पर भी देखिए हानुष अंधा हो चुका है। एमिल और कात्या हानुष से इसी प्रदेश से जाने के लिए बार बार उसे निवेदन कर रही हैं, कात्या भी निवेदन कर रही है। एमिल यानी हानुष का जो हितैषी है वह हानुष से पूछता है कि आपको दूसरे देश जाने के लिए क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, लेकिन हानुष को यह डर सता रहा है कि उन्हें भी यह डर है कि आखिरकार हमने बिना मंजूरी से यहाँ पर जाने की अगर कोशिश किया तो राजा न जाने मेरी जान भी ले सकता है। इसी के कारण हानुष बहुत डरा हुआ है। वह बाहरी मन से वह यह कहता है कि नहीं, और अंदर ही अंदर यह चाहता है कि मुझे राजा से बहुत डर है, क्योंकि राजा ने जिस तरह से उसे यह भी कह दिया है कि यह घड़ी की देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है, और जिस तरह से कात्या और एमिल का जो संवाद हुआ, एमिल और कात्या दोनों ने जब हानुष को समझाया कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए और चले जाने में ही आपका भविष्य है और आपका हित होगा, उसी में यहाँ पर यह घटना होती है कि अब हानुष की घड़ी बंद हो चुकी है। हानुष तो बाहरी मन से तो यह कहता है कि अच्छा हो गया, घड़ी बंद हो गई, मेरे ही शराब के कारण यह हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत दुखी है। उसे यह मालूम हो रहा है, उसे अंदर ही मन यह डर लग रहा है कि राजा को अगर यह घड़ी बंद होने की अगर खबर अगर मालूम हो गई तो राजा मुझे तुरंत न जाने और किस तरह का हुक्म दे सकता है। इसी कारण वह जेकब को कहते हैं कि जेकब कहाँ है, घड़ी बंद हो गई है। कात्या से कहता है कि घड़ी की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, तुरंत हमें घड़ी के पास जाना होगा, घड़ी को ठीक कर देना होगा। हानुष के घर के बाहर जोर से आवाज आ रही, देखिए इस भाग में यह घटना आती है कि हानुष के घर के बाहर यानी शहर उनके शहर में भी यह आवाज आ रही है, उनके घर के बाहर भी यह आवाज आ रही है कि हानुष की घड़ी बंद हो गई, कि हानुष की घड़ी बंद हो गई, यह आवाज आ रही है। चौक पर लोग खड़े हैं। इसी वक्त हानुष कहता है कि मैंने कहा था ना घड़ी बंद हो गई। देखिए हानुष कहता है मैं अभी आपसे यही कह रहा था कि घड़ी बंद हो गई है और यहाँ पर आवाज भी यही आ रही है कि घड़ी बंद। तो हानुष कहता है कि जेकब कहाँ है, कात्या जेकब कहाँ है, उसे कहो कि जाकर देखो घड़ी को क्या हुआ है। कात्या कहती है कि तुम्हें इसकी चिंता क्या पड़ी है, बंद हो गई तो होने दो। हानुष कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर बंद क्यों हो गई, जरूर उसका धुरा टूट गया होगा। देखिए मैं उसी बात का जिक्र कर रहा हूँ,
खानोश बाहर की मन से यह कहता है कि टूट गई तो अच्छा हो गया, मैं क्या करूं, लेकिन वह अंदर से बहुत डरा हुआ है। वह अंदर से वह यह चाहता है कि घड़ी को तुरंत ठीक कर दो, तभी यानी मैं जिंदा रह सकता हूँ, राजा के क्रोध से बच सकता हूँ। लेकिन वहां सभी हानु देखिए जेकब को कहते हैं कि कहाँ चलेगा, कहाँ है उसे जल्दी। लेकिन यहाँ पर जेकब देखिए एमिल की बात मानकर और जिस सिचुएशन, जो परिसर है, जो माहौल है वहां का, उस माहौल को देखकर वह शहर छोड़कर भाग गया है अपने जान बचाने के लिए। जिस तरह से अभी तक जो हानुस के साथ रहने वाला, हानुस को मदद करने वाला जेकब, वह अपने जान बचाने के लिए आखिरकार शहर छोड़कर भाग गया है और यहाँ पर हानुस उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और हानुस यह कहते हैं कि घड़ी का धुरा टूट गया है, घड़ी बंद हो गई है, आखिरकार लोगों की आवाजें आ रही है कि घड़ी बंद हो गई है, मुझे अब इस घड़ी को तुरंत ठीक करना होगा। कात्या कहती है कि आपको उसकी क्या चिंता, मगर 2 बरस में ही उसका धुरा कैसे टूट गया। लेकिन यह हानुस यह कहता है कि यानी 2 ही बरस हो गए घड़ी बंद, और 2 बरस में इसका धुरा कैसे टूट गया। मैं सोचा था कि मेरे मरने के बाद भी घड़ी चलती चलती रही। देखिए हानुस यह कहता है कि जो मैंने घड़ी बनाया है, मेरे मरने के बाद भी ही यह घड़ी चलती रहेगी, मैंने सोचा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, घड़ी तो 2 साल में ही बंद हो गई। क्या जेकब नहीं लौटा? तो वह कहता है कात्या से कि जेकब अभी तक नहीं आया। उसी संदर्भ में अधिकारी आते हैं और हानुस को आवाज लगाते हैं। अधिकारी कहते हैं, हानुस आपको बड़े वजीर ने बुलाया है, हमारे साथ चलिए। देखिए जिस तरह से हानुस को डर था, जिस डर से वह यानी वह डर रहा था, जिस बात से, आखिरकार वह अधिकारी आकर हानुस से कहते हैं कि आपको बड़े वजीर ने बुलाया है कि आप हमारे साथ चलिए। एमिल पूछता है कि बड़े वजीर ने बुलाया है, क्या बात है? देखिए एमिल को भी पता है कि आखिरकार घड़ी बंद हो गई है, इसी कारण राजा ने यानी बड़े साहब वजीर ने उसे हानुस को बुलाया है। तो एमिल जानबूझकर यह प्रश्न पूछता है कि आखिर वजीर ने बुलाया है तो आखिरकार बात क्या है। अधिकारी उत्तर देता है कि हमें हुक्म हुआ है, हमें जो आदेश मिला है, हानुस को अपने साथ लेकर आए, घड़ी के संबंध में बुलाया है। देखिए यहाँ पर तो वह दो अधिकारी हानुस को यह कहते हैं कि घड़ी के संबंध में, क्योंकि घड़ी का अब हाल क्या हो चुका है, घड़ी बंद हो गई है। हानुस के घड़ी के संबंध में जो अधिकारी आते हैं, उन्हें बड़े वजीर ने यह कहा है कि हानुस को पकड़ कर लाइए। तो वह हानुस से लेने के लिए 2 अधिकारी वहां पर आते हैं। जिस तरह से एमिल बात ही कर रहा था, हानुस कात्या से बता ही रहा था कि यहाँ से चले जाने में ही आपका भलाई है। पहले तो हानुस गाड़ी में आ गया, राजा की सवारी में आ गया, उनको चोट आ गई, अब घड़ी बंद हो गई, अब न जाने हानुस को और क्या क्या सजा होने वाली है, ये तो हमने अगले भाग में इसका पता हमें मालूम हो जाएगा। लेकिन अब हानुस को बहुत वह डर लगता है, क्योंकि अब जेकब भी नहीं है, 2 अधिकारी आकर उन्हें बुलाते हैं। हानुस कहता है कि घड़ी बंद हो गई तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका तो मुझे भी अफसोस है। अधिकारी कहते हैं कि यह हम नहीं जानते। देखिए हानुस कहता है कि घड़ी बंद हो गई तो मैं भी तो इस कारण बहुत दुखी हूँ, नहीं बंद होना चाहिए। लेकिन अधिकारी कहते हैं यह जो भी बातें हमें नहीं कहना चाहिए, जो बड़े वजीर है जो आपको बुलाया है, वहीं पर यह सब उत्तर दे दो। अब यात्रा के दिनों में हजारों लोग घड़ी देखने के लिए देश में आए हुए हैं। देखिए वो अधिकारी लोगों से जब हानुस पूछते हैं कि आखिर बड़े वजीर ने क्यों बुलाया है, घड़ी बंद होगी, तो वह कहते हैं कि अब यात्रा का समय है, हजारों लोग शहर आएंगे, देश आएंगे, वह घड़ी देखेंगे, इधर घड़ी बंद हो जाने से बादशाह बहुत नाराज है। देखिए यहाँ पर अधिकारी यह बताते हैं हानुस को कि जो बादशाह जो है घड़ी बंद होने के कारण बहुत दुखित है, बहुत नाराज है, घड़ी देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है। वो अधिकारी यहाँ तक बताते हैं कि इसकी देखभाल करना तो आपकी जिम्मेदारी है, इसीलिए सरकार आपको तो वजीफा दे रही है। वह अधिकारी यह भी कहते हैं हानुस को, उसकी देखभाल करने के लिए तो आपको पैसा दिया जा रहा है, अनुदान दिया जा रहा है। हानुस कहता है कि मैं अंधी आंखों से उसकी क्या देखभाल कर सकता हूँ। तो हानुस कहता है कि मैं एक अंधा आदमी, मैं क्या देखभाल कर सकता हूँ। अधिकारी कहता है कि यह सब बातें आप बड़े वजीर से कहिए। वो अधिकारी कहते हैं हानुस से कि आपको जो भी करना है, आपसे घड़ी बनेगी या नहीं बनेगी, हमारे जो बड़े वजीर है वहीं पर जाकर सबको उत्तर दीजिए, हमें तो सिर्फ आपको लेकर जाना है, आप हमारे साथ चलिए,
बादशाह ने जल्दी से घड़ी को ठीक करने को कहा है। देखिए यहाँ पर अधिकारी हामिद से कहते हैं, बादशाह ने यह हुक्म दिया है घड़ी को आपको जल्दी ही ठीक करना होगा। हनुज कहता है कि मैं अंधा आदमी घड़ी क्या ठीक कर सकता हूँ। अधिकारी कहता है कि आपको चलना ही होगा, नहीं तो हम राजा से शिकायत करेंगे। देखिए हनुज से वह फिर डराने की कोशिश करते हैं। हनुज पहले से ही डरा हुआ है, वह तुरंत घड़ी ठीक करने के लिए अधिकारी के कात्या कहती है कि हनुज तुम इनके साथ जाओ। हनुज कहता है कि मेरी ही घड़ी के सामने मुझे घसीट कर ले जाओगे। देखिए यहाँ पर कात्या को भी यह डर लग गया है, कात्या भी घबरा चुकी है। अधिकारी करने के बाद कात्या अपने पति हनुज से कहती है, हनुज तुमको जाना ही पड़ेगा, तुम भी वहां पर जाकर घड़ी को ठीक कर दो, नहीं तो अब राजा के नाराज में हम सभी शिकार, राजा के क्रोध के हम सभी शिकार हो जाएंगे। राजा न जाने और क्या सुनाएगा, क्या हुक्म देगा। इसी कारण कात्या हनुज से कहते हैं कि तुम चले जाओ। और हनुज कहता है, देखिए इस नाटक का जो प्रधान पात्र हनुज की जो दशा है, हनुज आखिरकार अपने मन की भावना प्रकट करते हैं कि वह कहता है कि मेरी घड़ी के सामने ही मुझे घसीट कर ले जाओगे। देखिए हनुज की परिस्थिति अब कैसी बन चुकी है। जिन्होंने घड़ी बनाया यानी उस शहर का नाम रोशन किया और राजा का नाम रोशन किया, सब कुछ होते हुए भी आज वह हनुज को अब क्या मिल रहा है, सजा मिल रही है, उसी घड़ी के सामने उसे घसीट कर लेके जा रहा है। अधिकारी कहता है कि यह घड़ी आपकी नहीं है, अब यह रियासत की घड़ी है। और यहाँ अधिकारी हनुज को यह आश्वासन देते हैं, आपने समझा होगा कि यह घड़ी आपकी है, यह घड़ी आपकी नहीं है, ये घड़ी तो अब राजा की है, राज्य की है, रियासत की घड़ी। हनुज कहता है कि मैं भी कितना पागल हूँ, अपनी हैसियत को न आज तक समझा न पहचाना। एमिल जो बताया था, कात्या जो बताई थी, वह सब कुछ हनुज को याद आता है। वह अपने आप से प्रश्न पूछता है कि मैं कितना पागल हूँ, अपने हैसियत को, अपने प्रतिभा को मैंने अभी तक न समझा न पहचाना। जो एमिल अभी भी बता रहा था कि आपको तुला जाना है, घड़ी बनाओगे आपको वजीफा मिलेगा, आपका आदर किया जाएगा, हनुज अब अपनी हैसियत के बारे में बताता है, अपनी प्रतिभा को बारे में अपने आप से कहता है कि मैं कितना पागल हूँ। एमिल तुम ठीक ही कहते थे। वह कहता है कि कात्या घबराओ नहीं, बादशाह सलामत अपने दिल की मुराद पूरी करे और मैं अपने दिल की। कात्या एमिल से कहती है, हनुज मौत के मुंह में जा रहा है, मुझे डर लगता है, मैं क्या करूँ एमिल। देखिए यहाँ पर हनुज जिस तरह से अधिकारी हनुज को पकड़ कर ले जाते हैं घड़ी ठीक करने के लिए, आखिरकार हनुज अपने दिल की भावना, जो उनके मन में जो कुछ बीत रहा है, जो कुछ सोच रहा है राजा के बारे में, उनकी आज जो सोच है वह बताता है कि राजा अपनी मुराद पूरी कर रहा है तो मैं भी अपनी दिल की बातें पूरी कर रहा हूँ, न जाने और आगे मेरे जीवन के ऊपर, मेरे भविष्य में और आगे मुझे क्या क्या देखना पड़ने वाला है। अब तो इसी को देखकर कात्या कहती है कि यमिल से, देखो यमिल अब हनुज मौत के मुंह में जा रहा है, न जाने मुझे तो डर लग रहा है कि अब मैं क्या कर सकूं। एमिल कहता है कि अंधा आदमी क्या करेगा कात्या। कात्या कहती है कि वह घड़ी को तोड़ने जा रहा है, मैं जानती हूँ कि वह घड़ी तोड़कर सरकार से बदला लेगा। देखिए कात्या यह कहती है क्योंकि वह अपने पति को जानती है कि क्योंकि सब कुछ होते हुए भी जो राजा ने जिस तरह से एमिल को सता रहा है, जिस तरह से राजा ने सॉरी हनुज को सता रहा है, हनुज को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, तो उसके बारे में कात्या कहती है कि अब हनुज न जाने अब क्या करने वाला है, घड़ी को तोड़ देगा या राजा उसके बदले में उसे फांसी सजा देगा, अब न जाने मेरे जीवन में तो अब बुरे दिन आ रहे हैं। इस तरह से कात्या कहती है और उसे एमिल धीरज बंधाता है, वह घड़ी तोड़कर सरकार से या क्या बदला लेगा। एमिल कहता है कि नहीं कात्या, उससे कुछ भी नहीं होगा, वह अपने आप दो कदम तक भी चल नहीं सकता। कात्या कहती है कि एमिल तुम जेकब को उसके पास भेजो। एमिल कहता है कि जेकब तो अब शहर छोड़ चुका है। देखिए जिस तरह से इस वातावरण को देखकर, माहौल को देखकर अब ऑलरेडी जेकब देखिए शहर छोड़ के चला गया है, लेकिन कात्या यहाँ पर जेकब को वहां पर भेजने की बात करती है। और यहाँ पर देखिए एमिल कात्या से कहता है कि आप का हनुज से अब कुछ नहीं होगा, वह तो दो कदम चल भी नहीं सकता, वह इंसान वह क्या करेगा। और कात्या यह कहती है कि यह घड़ी तोड़कर सरकार से बदला लेगा, पता नहीं अब हमारे जीवन में और क्या क्या देखना पड़ रहा है।
इसी के साथ यह जो भाग है यहीं पर समाप्त होता है। इस भाग में हमने देखा कि अधिकारी लोग हानुष को पकड़ कर ले जाते हैं। पकड़ कर ले जाते समय हानुष अपनी भावना को प्रकट करते हैं कि मेरी घड़ी के सामने मुझे घसीट कर ले जाओगे, और काते यह है कि हानुष अब मौत के मुंह में फंसने जा रहा है, उसे बचाने की बात कही थी। इसी तरह से यह भाग यहाँ पर समाप्त होता है।